Welcome to Help for Kotli Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about SQL joins. So how many types of SQL joins are there in Oracle and SQL? So guys, first we will discuss about the inner join, then left join, then right join we will discuss, then we will discuss about the full join, and then we will discuss about the self join. So guys, let's discuss graphical representation, how we can define the graphically. So guys, first we will discuss about the inner join. What is mean by inner join, guys? So inner join में क्या होता है कि हमारे पास में दो tables रहते हैं, तो left table का data और right table का data commonly हम लोग यहाँ पर represent करते हैं, मतलब दोनों का जो commonly satisfied data जो रहता है हम लोग condition pass करेंगे और जो common data आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको print करना चाहते हैं, तो हम लोग inner join use करेंगे. Then हम लोग discuss करने वाले full join. Full join में क्या होता है कि दोनों का table का data क्या हो जाएगा, commonly display होगा, मतलब left table and right table दोनों का data हम लोग display करना चाहते हैं. लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि अगर मेरे पास में मान लीजिए दो टेबल है, तो लेफ्ट साइड में जो टेबल रहेगा उसका कंप्लीट डेटा डिस्प्ले होगा और राइट साइड में जो मैच डेटा होगा कॉमनली वो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. राइट ज्वाइन में हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड में जो टेबल होता है उसका कंप्लीट डेटा हम लोग डिस्प्ले करते हैं और लेफ्ट साइड में का जो मैच डेटा होता है जो हम लोग कंडीशन पास करेंगे वो डेटा हम लोग वहां पर क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. So guys, let's discuss about the inner join. What is mean by inner join? So the inner join keyword select all the rows from the both tables as long as the condition satisfied. ये क्या करता है आपको दोनों को, दोनों टेबल का डेटा क्या करता है हमारा फेच करके देता है कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करके. सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक लेफ्ट टेबल है और एक राइट टेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो टेबल को ज्वाइन करेंगे और जिसका कॉमनली सेटिस्फाइड जो मैच डेटा रहेगा वो डेटा क्या करेगा, हमको यहाँ पे प्रिंट करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स क्या है कि आपको करना क्या है कि आपके जो भी टेबल से आपको डेटा उठाना है तो करना क्या है कि सिलेक्ट कमांड हमको यूज करना है, लाइक टेबल वन डॉट कॉलम नेम, टेबल टू डॉट कॉलम नेम, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दोनों टेबल का डेटा उठाएंगे. देन हमारे पास में फ्रॉम ज्वाइन जो रहेगा तो टेबल वन इनर ज्वाइन करेगा टेबल टू के साथ में ऑन, फिर हमको क्या करना है मैच कंडीशन लिखना, लाइक टेबल वन का कॉलम जो मैच करता है और टेबल टू का जो कॉलम है वो मैच करता है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है. सो लेट्स डिस्कस प्रैक्टिकली गाइस. तो हम लोगों के पास में जो हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं तीन टेबल यूज करने वाला हूँ, तो तीन टेबल को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास में कौन सा टेबल है. तो मेरे पास में सबसे पहले मैं टेबल यूज करने वाला हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मेरे पास में एक टेबल है ईएमपी, एक ईएमपी टेबल मैं यूज करने वाला हूँ. देन मेरे पास में एक टेबल है हमारे पास में डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, तो मैं एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल यूज करने वाला हूँ इन ज्वाइंस में. देन हमारे पास में एक ऑर्डर्स नाम का टेबल है, तो आपको क्या करना है ये ऐसे टेबल्स क्रिएट करने हैं. मैं इसका आपको जो है एक बार डिस्क्रिप्शन भी आपको शेयर कर देता हूं, तो ये आपको तीन टेबल आपको क्रिएट करने हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डीईएससी ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन है, तो आपको इस तरीके से फील्ड क्रिएट करनी है, एक नया टेबल क्रिएट करना है ऑर्डर नेम का. देन हमारे पास में जो है एक ईएमपी नाम का टेबल है, तो ईएमपी नाम के टेबल के लिए फील्ड देख लीजिए, और एक हमारे पास में जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, तो आपको क्या करना है डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, तो डिपार्टमेंट नाम का डिस्क्रिप्शन है. तो अभी हम इन तीनों टेबल पे क्या करने वाले, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले. तो जितने भी हम लोग ज्वाइन डिस्कस करने के लिए, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ये सारा हम लोग इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले. सो गाइस, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इनर ज्वाइन. सो व्हाट इज मीन बाय इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन में मैं चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स विथ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, कि कौन से एम्प्लॉय ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इनर ज्वाइन के थ्रू. तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, सिलेक्ट अभी हमारे पास में एक ऑर्डर टेबल भी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्डर टेबल का डेटा रिट्रीव करके रखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. तो मेरे पास में एक ऑर्डर टेबल भी है, तो हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट ऑर्डर्स में का हमको क्या करना है, ऑर्डर आईडी लेना है, ठीक है. तो ऑर्डर्स डॉट ओ आई डी, मेरे पास में इसका कॉलम नेम क्या है, ऑर्डर्स डॉट ओ आई डी कॉमा ईएमपी डॉट ईनेम. मेरा ईएमपी टेबल में क्या है, ईएमपी टेबल में ईनेम है. फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम ऑर्डर्स, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया. तो ऑर्डर से मैं क्या कर रहा हूं, डेटा रिसीव कर रहा हूं. देन आपको क्या करना है, इनर ज्वाइन यूज करना है. तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इनर ज्वाइन. देन इनर ज्वाइन किसके साथ में, तो ईएमपी के साथ में, ठीक है. मेरा फ्रॉम ऑर्डर, तो ऑर्डर से लेगा मेरा डेटा, और इनर ज्वाइन किसके साथ में, ईएमपी साथ में, ऑन. आपके ऑन में अभी आप क्या करना है, आपको कंडीशन देना है. तो ऑन में जो कंडीशन देना है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन कॉलम नेम है उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है. तो ऑर्डर्स नाम के टेबल में मेरे पास में ई नंबर है,
और एक जो ईएमपी टेबल भी है उसमें भी ई नंबर है। तो आपको क्या करना है, दोनों के ई नंबर मैच करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कॉमनली डेटा वहां पे मैच डेटा क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा। तो हमारे पास में ऑर्डर टेबल में क्या है, तो ऑर्डर टेबल में मेरे पास ऑर्डर्स डॉट ई नंबर इक्वल्स टू ईएमपी डॉट ई नंबर। तो ईएमपी में भी हमारा ई नंबर का कॉलम है, ऑर्डर्स में भी ईएमपी नंबर में कॉलम है। तो जो कॉमन जो मैच डेटा है वो क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा। तो देखो इसने क्या किया कि जो कॉमनली मैच डेटा है वो हमको रिटर्न किया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों में आपके सेम कॉलम प्रेजेंट होने चाहिए ताकि आप क्या करो, कंडीशंस लगा सको। तो गाइस सपोज मुझे अगर तीन टेबल के साथ में ज्वाइन करना है, ये तो मैंने क्या किया, ये मैंने सिंपली दो टेबल के साथ ज्वाइन किया है। तो अगर आपको तीन टेबल के साथ में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप ये भी तीन टेबल के साथ में भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक, तो इसको मैं, ये मुझे चाहिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास में क्या है, ऑर्डर्स डॉट आई डी है, और ईएमपी टेबल में से मुझे क्या चाहिए, मुझे ईएमपी टेबल से ई नेम चाहिए, और मेरे पास में एक और डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट नाम के टेबल से मैं क्या करता हूँ, डी नेम लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर्स नाम से, ऑर्डर नाम के टेबल से मैंने क्या रिट्राइव कर रहा हूँ, ऑर्डर आई डी रिट्राइव कर रहा हूँ। ईएमपी टेबल से हम क्या कर रहे हैं, ई नेम रिट्राइव करने वाले। डिपार्टमेंट टेबल से हम क्या करने वाले, डी नेम रिट्राइव करने वाले। फ्रॉम, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे इनर जॉइन लगाना है मल्टीपल टेबल पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम ऑर्डर्स, कहां से, फ्रॉम ऑर्डर्स। फिर ऑर्डर्स के बाद में हम लोग क्या करना है कि इनर जॉइन लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनर जॉइन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इनर जॉइन किसके साथ में, पहले ईएमपी के साथ में, ईएमपी ऑन। तो इनर जॉइन ईएमपी ऑन, तो ईएमपी में जो मैच डेटा है वो हमको रिटर्न करना है। तो ईएमपी में मैच डेटा क्या था, यहाँ पे ऑर्डर, ईएमपी में मैच डेटा क्या था मेरा, ऑर्डर डॉट ई नंबर और ईएमपी डॉट ई नंबर, ये मेरे पास में दोनों मैच डेटा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर्स डॉट ई नंबर ऑन ईएमपी में क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर्स डॉट ई नंबर और ईएमपी डॉट ई नंबर। तो ये मैंने किसके साथ मैच किया, ये मैंने मैच किया इनर जॉइन किसके साथ में, ऑर्डर्स और ईएमपी टेबल के साथ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे फिर से इनर जॉइन यूज करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनर जॉइन अभी मुझे डिपार्टमेंट में लगाना। तो अब मैं क्या करूंगा, इनर जॉइन लगाऊंगा किसके पास, कहां पर, डिपार्टमेंट, ठीक है, इनर जॉइन डिपार्टमेंट, ठीक है, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन कौन से टेबल पे, तो ऑर्डर्स डॉट डी नंबर, क्योंकि ऑर्डर्स में अभी क्या है, डी नंबर भी प्रेजेंट है, और डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट और ऑर्डर में जो कॉमन कॉलम नेम है वो हमको चेक करने हैं। तो डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, तो ऑर्डर्स डॉट डी नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर मैच करेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या करेगा, रिटर्न हमको करेगा। तो लेट मी चेक, यस। तो देखो यहां से क्या किया, इसने मैच डेटा वहां से हमको क्या किया, रिटर्न किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ईएमपी और ऑर्डर को ज्वाइन किया है, देन नेक्स्ट टेबल में हमने क्या किया कि इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन ऑर्डर और डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेफ्ट ज्वाइन। व्हाट इज मीन बाय लेफ्ट ज्वाइन गाइस, सो इट रिटर्न्स ऑल द रोज ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड मैचिंग रोज फॉर द टेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाले टेबल में, तो ये क्या करेगा, जो और जो मैच डेटा है राइट साइड पे, बस वही रिटर्न करेगा आपको। तो आपको हमें क्या करना पड़ता है, जो कंडीशन हम लोग पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। सेम सिंटैक्स है आपका कि आप लोग टेबल वन से एक कॉलम सिलेक्ट किया आपने, टेबल टू से एक कॉलम सिलेक्ट किया, फ्रॉम टेबल नेम, फिर लेफ्ट ज्वाइन लिखना है, फिर टेबल टू, ठीक है, जो टेबल के साथ में ज्वाइन करना है, टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन विद टेबल टू, देन आपको क्या करना है, ऑन लिखना है, और जो मैच्ड कॉलम है उसको आपको यहाँ पे पास करना। सो लेट्स अगेन राइट द क्वेरी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन में, कि इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज एंड एनी ऑर्डर इफ दे माइट हैव, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, कि अगर हम लोग ऑल एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, तो जो अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया है तो वो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो ऑर्डर वाले टेबल में रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर कर लीजिए, चलिए स्टार फ्रॉम ऑर्डर। तो ऑर्डर वाले टेबल में देखेंगे कि जिन्होंने ऑर्डर किया है उसका ईएमपी ई नंबर भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉय का डेटा हमको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, ईएमपी नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो ईएमपी डॉट ई नेम, ईएमपी टेबल में क्या है मेरे पास में, ई नेम है, और जो ऑर्डर्स नाम का जो टेबल है, ऑर्डर्स नाम के टेबल से मुझे क्या चाहिए, ओ आई डी चाहिए,
ठीक है, ओआईडी आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो ईएमपी टेबल से मैंने क्या क्या लिया है, ईनेम लिया है, और ऑर्डर टेबल से मैंने क्या किया है, मैंने ओआईडी लिया हुआ, ठीक है। फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम ईएमपी देन लेफ्ट ज्वाइन, फ्रॉम ईएमपी देन लेफ्ट ज्वाइन, आपको क्या करना है, ईएमपी लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ में, ईएमपी लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर के साथ। तो मैंने ईएमपी लेफ्ट ज्वाइन क्या कर दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑन कहां पे, ऑन। अब आपको क्या करनी है कि जो मैच्ड कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे जो है ईएमपी नंबर प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्डर टेबल में क्या ईएमपी नंबर है और ईएमपी टेबल में भी ये नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऑन ईएमपी डॉट ई नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट ई नंबर, तो ईएमपी डॉट ई नंबर ऑर्डर डॉट ई नंबर, और इसको ऑर्डर बाय भी अगर हम लोग करना चाहते तो ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करता हूं, और ऑर्डर बाय क्लॉज में मैं ईएमपी डॉट ई नेम लिख लेता हूं, तो ई नेम क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिया जाएगा। तो ये क्या करेगा हमको, ये हमको डेटा उस हिसाब से रिटर्न करेगा। मतलब अगर ऑल एम्प्लॉयज सिलेक्ट करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको हम लोग लेफ्ट ज्वाइन से इस तरीके से रिटर्न कर सकते। देन लेट्स वी डिस्कस अबाउट द राइट ज्वाइन गाइस, व्हाट इज मीन बाय राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में क्या होता है कि इट रिटर्न ऑल द रोज ऑफ द टेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड मैच रो फॉर द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज्वाइन। मींस क्या होगा कि हमारे पास में दो टेबल रहने वाले हैं, एक लेफ्ट टेबल रहने वाला है, एक हमारे पास में जो राइट टेबल रहने वाला है। तो ये क्या करेगा, राइट टेबल का कंप्लीट डेटा पूरा रिटर्न करेगा और लेफ्ट साइड में का जो मैच डेटा है, जो कॉमन डेटा है, जो कंडीशन मैच करेगा, वो डेटा हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो सिमिलरली इसका भी सिंटैक्स सेम है, आपके आपको क्या करना है, सिलेक्ट कमांड यूज करनी है, टेबल वन डॉट कॉलम वन, इस तरीके से टेबल वन डॉट कॉलम टू, जो भी हमको कॉलम रिटर्न करने है, साथ में टेबल टू के जो कॉलम है डॉट लगा के, फिर आपको फ्रॉम टेबल वन और देन राइट ज्वाइन टेबल टू करना है, ऑन फिर हमको जो मैच्ड कॉलम है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। सो लेट परफॉर्म द क्वेरी फॉर इट। तो मैं क्या चाहता हूं राइट ज्वाइन के थ्रू, मैं क्या चाहता हूं कि इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑल इंप्लॉइज एंड एनी ऑर्डर दे हैव ऑलरेडी ऑर्डर, ठीक है, अगर उन्होंने ऑलरेडी कोई ऑर्डर दिया हुआ है, मैं उसको जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में ऑलरेडी एक क्वेरी था, एक सिलेक्ट ईएमपी डॉट ई नेम, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ईएमपी डॉट ई नेम था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सिलेक्ट ईएमपी डॉट, हमें क्या करना है कि ऑर्डर और ईएमपी को ज्वाइन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑर्डर डॉट ओ आई डी, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉमा देके करता हूँ, मैं ईएमपी डॉट ई नेम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ओ आई डी लिखा, मैंने यहाँ पे ईएमपी डॉट ई नेम लिखा, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम कहां से, तो ऑर्डर, सबसे पहले हमने क्या लिखा ऑर्डर, तो हम लोग लिखते सबसे पहले ऑर्डर्स लिखते हैं, ठीक है, और ऑर्डर्स के बाद में मुझे क्या करना है राइट ज्वाइन। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे राइट ज्वाइन करेंगे, राइट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन किसके साथ में, तो राइट ज्वाइन करेंगे हम लोग किसके साथ में, ईएमपी के साथ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा लेफ्ट टेबल जो है ऑर्डर टेबल है, राइट टेबल कौन है हमारा, ईएमपी टेबल है, तो राइट ज्वाइन, ठीक है। ऑन, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे राइट ज्वाइन में कंडीशन लगानी, कंडीशन क्या लगानी है कि जो दोनों में मैच डेटा है, तो दोनों में मैच डेटा क्या था, ईएमपी डॉट ई नंबर इक्वल टू ऑर्डर डॉट ईएमपी नंबर था, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है मैं ऑर्डर में क्या आ जाएगा हमारा ईएमपी नंबर डॉट ई नंबर, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑर्डर्स डॉट ई नंबर, ठीक है। और ऑर्डर बाय में जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑर्डर बाय में क्या लिखा था मैंने ईएमपी डॉट ई नेम, तो ऑर्डर बाय में हम लोग जो है ऑर्डर आईडी भी हम लोग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज ऑर्डर डॉट ओ आई डी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑर्डर डॉट ओ आई डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है यहाँ पे क्वेरी परफॉर्म करनी, ठीक है। सो लेट्स सेव इट, एग्जिट, एंड क्या बोल रहा है कि इनवैलिड कैरेक्टर, ओके। तो सेव किया मैंने इसे, ठीक है, 12 रो सिलेक्टेड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट ज्वाइन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करनी है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज फुल ज्वाइन गाइस। सो इट रिटर्न द कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। मतलब जो कंबाइनिंग रिजल्ट रहेगा आपका, एक लेफ्ट टेबल रहेगा, एक राइट टेबल रहेगा, तो दोनों का जो कंबाइन जो रिजल्ट रहेगा वो हमको क्या करता है, ये रिटर्न करता है। तो व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ इट, सेम सिंटैक्स है, आपको क्या करना है सिलेक्ट टेबल वन कॉमा टेबल वन डॉट टेबल कॉलम नेम, देन टेबल वन डॉट कॉलम नेम, देन टेबल टू का डेटा मुझे रिटर्न करना है तो टेबल टू डॉट कॉलम नेम, फिर फ्रॉम टेबल नेम, और फिर आपको क्या लिखना है फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, दोनों आप लिख सकते हैं इसमें, देन टेबल टू, देन आपके जो मैच डेटा है लाइक टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम, दोनों में जो मैच डेटा है वो आपको क्या करना है यहाँ पे रिटर्न करना है।
यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि फुल आउटर जॉइंट इज ऑल्सो रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट सेट. तो जब भी आपको लार्ज रिजल्ट सेट अगर आपको चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं, फुल आउटर जॉइन आपको यूज करना है. और जो फुल आउटर जॉइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल जॉइन भी बोलते हैं. तो फुल जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन इज द सेम, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा दोनों में. सो लेट डिस्कस प्रैक्टिकली. सो गाइस सपोज आई वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑल इम्प्लॉइज विथ ऑल ऑर्डर्स. तो मुझे ऐसे इम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है जिन्होंने जो जितने भी ऑर्डर्स दिए होंगे, ठीक है. तो कैसे क्वेरी लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो लिखते हैं हम लोग सिलेक्ट. मुझे क्या करना है कि इम्प्लॉई टेबल और ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करना है, ठीक है. तो इम्प्लॉय और ऑर्डर में आपको पता होगा कि इम्प्लॉय टेबल में ई नंबर और ऑर्डर टेबल में ई नंबर दोनों सेम कॉलम थे, तो हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ईएमपी में से हम लोग ई नेम रिटर्न करते हैं, ठीक है, कॉमा हम लोग ऑर्डर्स टेबल से क्या करते हैं, ओआईडी रिटर्न करते हैं, ठीक है. तो ओआईडी आप स्मॉल में भी ले सकते हैं. तो ऑर्डर टेबल्स में क्या कर रहा हूँ, ओआईडी ले रहा हूँ. फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, तो ईएमपी, क्योंकि लेफ्ट साइड में पहले मैं ईएमपी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ईएमपी मैंने मेंशन किया. देन आपको क्या लिखना है, फुल आउटर जॉइन. फिर हमको क्या लिखना है, फुल आउटर जॉइन, और किसके साथ में आउटर जॉइन, तो ऑर्डर टेबल के साथ. तो एक ऑर्डर्स नाम का हमारे पास में क्या है, टेबल, ठीक है. तो ऑर्डर्स टेबल के साथ में देन हमको क्या लिखना है, ऑन, और ऑन के बाद में हमको क्या लिखना पड़ता है, तो ऑन के बाद में मुझे क्या देना है, यहाँ पे कंडीशन देनी है, जो कंडीशन वहां पे मैच करेगा. तो ईएमपी के पास में क्या था, ईएमपी डॉट ई नंबर था, करेक्ट. तो ऑर्डर्स के पास में भी क्या था, ऑर्डर्स के पास में भी क्या था, एक ई नंबर था. तो ईएमपी डॉट ई नंबर इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ई नंबर, ये हमको क्या करना है, मैच करना है. और फिर अगर मुझे ऑर्डर बाय वगैरह कमांड देनी है तो हम लोग ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं. तो ऑर्डर बाय करता हूं मैं, ऑर्डर बाय क्लॉज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लाइक emp डॉट ई नेम कर देते हैं. सो लेट डिस्कस चेक क्या बोल रहा है. ओके, फुल आउटर जॉइन का एक स्पेलिंग मिस्टेक है. यहाँ पे क्या आएगा, फुल, एफ यू डबल एल, फुल, यहाँ पे फुल आउटर जॉइन, ठीक है. नाउ इट इज परफॉर्म, ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग फुल आउटर जॉइन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप फुल आउटर जॉइन की जगह फुल जॉइन भी लिखते हो तो चलेगा. तो आप फुल आउटर जॉइन की जगह क्या कीजिए कि फुल जॉइन लिख लीजिए, ठीक है. ये मेरा क्वेरी है, इसको मैंने ईडी से, आपको अगर आपको टेम्पररी अगर ओपन करना है उसे, अगर आपको फिर से टाइप नहीं करना चाहते तो ईडी का सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं. मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको जो है क्लोज करता हूँ. फिर आपको स्लैश मेंशन करना है और ये देखो फुल जॉइन मैंने यूज किया, तो फुल जॉइन से भी क्या हुआ, हमारा सेम डेटा रिटर्न किया. सो गाइस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेल्फ जॉइन. व्हाट इज मीन बाय सेल्फ जॉइन. सो अ सेल्फ जॉइन इज अ रेगुलर जॉइन बट द टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ. तो इसमें क्या होता है, आपका टेबल एक ही जो है दूसरी उसी टेबल के साथ में क्या करता है, वो ज्वाइन करता है. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इट. सिंटैक्स इसका है कि आपको करना क्या है कि आपको कॉलम वन कॉलम टू सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम कॉमा अनदर टेबल नेम, ठीक है. तो आप नंबर ऑफ टेबल नेम से आप क्या करेंगे, डेटा रिटर्न करेंगे. और फिर उसको आपको क्या करना है कि वेयर क्लॉज में आपको क्या करना है, कंडीशन देने. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलियाज नेम वगैरह क्रिएट कर सकते. लेट डिस्कस प्रैक्टिकली सो यू पीपल हैव अगेन क्लियर क्लियरिटी. तो सेल्फ ज्वाइन में सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑल मैचेस ऑफ द इम्प्लॉई दैट आर बिलोंग टू द सेम सिटी. अगर वो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं ऐसे इम्प्लॉय का डेटा मैं रिटर्न करना चाहता हूं, तो हम लोग उसको किस तरीके से यूज करेंगे. तो हमारे पास में ऑलरेडी जो है हमारे पास में ईएमपी नाम का टेबल है. तो हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करके लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. तो ईएमपी टेबल में क्या है, मेरे पास में ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे इम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करना है मुझे जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं. तो हम लोग इसके लिए किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलियाज नेम क्रिएट करने वाले. तो लाइक ए डॉट ई नेम, हमने यहाँ पे एलियाज नेम क्रिएट किया है ए, और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं एज ईएमपी नेम सिलेक्ट करते हैं, ईएमपी नेम. तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये ईएमपी नेम वन रहेगा, ठीक है. देन हम लोग जो है हम लोग लिखते हैं बी डॉट ई नेम, और इसको जो है मैं नेम देता हूँ एज में ईएमपी, यहाँ पे एलियाज नेम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ईएमपी नेम हम लोग दे रहे हैं इसको टू, ठीक है. और यहाँ पे मैं सिटी भी रिट्राइव मुझे करनी है, तो सपोज मैं इसका एलियाज नेम यूज करता हूँ, तो ई सी टी, ए डॉट ई सी टी है हमारे पास में, ठीक है. और कहाँ से, तो ये फ्रॉम, चलो हम लोग नीचे लिख लेते हैं, फ्रॉम कौन से टेबल से, तो ईएमपी टेबल से. तो ईएमपी का एक एलियाज नेम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ईएमपी ए कॉमा ईएमपी बी. तो एक
दो हमने क्या किया, इसका एलियाज नेम क्रिएट किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ईएमपी ए जो सिलेक्ट किया मैंने, ए से मैंने ई नेम रिटर्न कर रहा हूँ, उसका एलियाज नेम बी से, तो बी से मैं दूसरा ई नेम रिटर्न कर रहा हूँ, और मैं ए डॉट सिटी में और ए नाम के एलियाज नेम से जो मैंने एलियाज नेम क्रिएट किया है ए का, तो उससे मैं ई सिटी रिटर्न कर रहा हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग वेयर कंडीशन लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेयर। अब करना क्या है मुझे कि जो दोनों में मैच डेटा है, तो दोनों में मैच डेटा करेगा कि ए नाम के एलियाज के पास में भी क्या रहेगा, ई नंबर रहेगा, करेक्ट। तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ई नंबर, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वल नहीं कर दिया, ठीक है। फिर अगर मैं चाहता हूं, मैं एंड करना चाहता हूं कि दोनों का सिटी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमको सिटी मैच करनी है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों का सिटी अगर हमको मैच करना है, तो यहां पे मैंने लिखा एंड a.ect, तो b.ect तो a.ect और b.ect का जो मैच डेटा है, जो मैच सिटी रहेगा, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह मुझे क्या करना है, इक्वल टू लिखना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। साथ में मैं चाहता हूं कि ई सिटी जो ऑर्डर बाय होके आ जाए, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ऑर्डर बाय a.ect, ऑर्डर बाय a.ect। सो नाउ आई होप कि क्वेरी ओके है, लेट्स परफॉर्म। तो ये देखो इस तरीके से क्या करेगा, आपका डेटा रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, आपका सेल्फ ज्वाइन क्या करेगा कि ये क्या करेगा, सारे के सारे इंप्लॉय के मैचेस रिटर्न करेगा जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आपको क्या करना है कि एसक्यूएल के ज्वाइंस आपको यूज करने, डिफरेंट टाइप के ज्वाइंस आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखाया है आपको, इस तरीके से टेबल क्रिएट करने, तो ही आप ये जो ज्वाइन ऑपरेशन है परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो तीन टेबल क्रिएट करना है, ईएमपी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल और ऑर्डर टेबल। और जिस तरीके से मैंने वहां पे कॉलम नेम मेंशन किया, इस तरीके से आपको कॉलम्स वहां पे क्रिएट करने हैं, फिर उसमें डेटा इंसर्ट करना है, और फिर आपको ये एसक्यूएल ज्वाइन परफॉर्म करना है।